इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद से जिस तरह से इसराइल ने जवाब देना शुरू किया है उसे लेकर विश्व के अलग अलग देशों ने कई तरीके की प्रतिक्रिया दी है। भारत ने भी इस हमले के विरोध में इसराइल का समर्थन किया है। पीएम मोदी और इसराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत भी हुई है। मिडिल ईस्ट में इसराइल एक छोटा देश होने के बाद भी एक बड़ी सैन्य शक्ति है। भारत सालों से इसराइल से हथियार खरीदता आया है। इसराइल भारत को आर्म्स सप्लाई करने वाले अहम देशों में शामिल है। इसराइल से मिले कई हथियारों का भारतीय सेना ने युद्ध में भी प्रयोग किया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत के पास कौन कौन से इजरायली हथियार हैं जो कि भारत की सेना को मजबूती देते हैं। भारत और इसराइल के राजनयिक रिश्ते आधिकारिक तौर पर 1992 में स्थापित हुए। इसके बाद साल 2017 में इंडिया और इसराइल के रिश्ते और मजबूत होकर रणनीतिक भागीदारी में भी बदले। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच भारत के कुल आर्म्स एक्सपोर्ट में इसराइल की हिस्सेदारी बढ़कर 7.7% हो गई। दरअसल भारत ने इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर अपना रुख हमेशा संतुलित रखा है और फिलिस्तीन के अधिकारों की बात करते हुए इसराइल के साथ भी रिश्ते मजबूत किए हैं। लेकिन भारत की इसराइल से सैन्य और रणनीतिक साझेदारी अलग तरह की है। भारत इसराइल से कई अहम गन सिस्टम के साथ एयर डिफेंस सिस्टम व मिसाइलें खरीदता है। ये हथियार कौन से हैं आइए जानते हैं। टैवोर TAR-21 असॉल्ट राइफल, इसका यूज इंडियन आर्मी के साथ कमांडो भी करते हैं। माइक्रो उजी ऑटोमेटिक गन, IMI गलिल 7.62 mm स्नाइपर गन, IMI नेगेव NG-5 मशीन गन, P-300 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, बराक 8 मिसाइल सिस्टम, M-46 हॉविट्जर तोप, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, हेरोन ड्रोन, स्पाइस 2000 बम, डर्बी एयर टू एयर मिसाइल, ILM 2238 स्टार रडार। इन हथियारों की खरीद के साथ ही ये भी जान लीजिए कि आखिर इसराइल ने भारत का साथ किन किन अहम मौकों पर दिया है। 1962 की इंडिया चाइना वॉर में इसराइल ने भारत को मिलिट्री मदद मुहैया कराई थी। 1965 की इंडिया और पाकिस्तान वॉर में इसराइल ने भारत को मोर्टार के गोले सप्लाई किए थे। 1980 में इसराइल ने ही पहली बार भारत के SPG और NSG कमांडो को ट्रेनिंग दी थी। 1999 में कारगिल वॉर के वक्त इंडियन एयरफोर्स को अनमैंड एरियल व्हीकल और सर्विलांस सिस्टम सप्लाई किए थे। साल 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के दौरान भी भारत ने इसराइल में बने स्पाइस 2000 बम का ही इस्तेमाल किया था। इसराइल और भारत के बीच रणनीतिक भागीदारी से भारतीय सेना की क्षमताओं में आत्मनिर्भरता लाने में मदद मिल रही है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कई डिफेंस कंपनियां इसराइली डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर आर्म्स और ड्रोन के डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग से भारत के साथ इसराइल के सैन्य सहयोग पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही मंच को लाइक और सब्सक्राइब करें।